खड़ी मशीन रोड, यहाँ पर आप पीछे देखेंगे ये है दारुल फला मदरसा, यहाँ है हमारे माननीय नगर सेवक जनाब शानू पठान का बंगला। लेकिन एक जो यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा उनसे, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है सर कि मैं हमेशा से हमने कुंबरा में जो गंदगी है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, और ये इस वक्त जो माहौल है कि गंदगी से भी बीमारियाँ फैलने का खतरा होता है, ये हम हमेशा से बोलते हैं। और आप देखेंगे ये मेरे पीछे ये खड़ी मशीन रोड से ऊपर से जो एक यहाँ पे देख रहे हैं आप कितनी गंदगी है यहाँ पर, ये यहाँ से लोगों के पानी के पाइप गुजर रहे हैं, ये पूरा देख सकते हैं आप कचरा गंदगी। और ये जो यहाँ से ये ऐसा रोड है जो दिन रात यहाँ से गुजरते ही है लोग, और काफी बोला जाता है इसे कि ये यहाँ पर कई हॉल्स भी हैं, बाजू में हमारे जमजम हॉल है। इस वक्त जो बीमारी का माहौल है, ये गंदगी, इसकी शायद इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, म्यूनिसिपालिटी को, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन में सफाई कर्मचारियों को निकलना अलाउड है। ये जो बदबू, अभी भी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो इस कदर बदबू है इसमें, ये गंदे पानी में, इससे कोरोना तो नहीं लेकिन दूसरी बीमारियां जरूर हो जाएंगी, मलेरिया, फिर उसे कहिए बुखार, क्योंकि इसमें ये जो कोरोना में बुखार आना, ये बहुत ही जिस तरह से अफवाह फैल रही है कि बुखार भी आ रहा है तो लोग समझ रहे हैं कोरोना है, तो डर लगता है, तो लोग खौफ से ज्यादा मर रहे हैं। तो ये जो गंदगी है इसी में पैदा होते हैं मलेरिया के मच्छर, इसी में पैदा होते हैं डेंगू के मच्छर, और जब ये मच्छर अगर किसी को जरा सा भी बुखार हो जाएगा तो लोग कोरोना समझेंगे, डरेंगे। तो बराए मेहरबानी इसको थोड़ा अगर इस पर प्रशासन ध्यान दे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आइए आपको आगे से दिखाते हैं चल के, ये पूरा वहाँ तक गया है ये नाला, और ये कॉलोनी का गेट भी है बिल्कुल उसके सामने से गुजर रहा है ये नाला, ये देखिए कितनी सामने पूरी पॉश कॉलोनी है यहाँ पर, और यहाँ पर एक बंगला भी है ललित कुंज, और डॉक्टर साहब डॉक्टर एस एस माहिमकर की ये बंगला है, इस पे जैसे कि बोर्ड भी लगा हुआ है, मैं चाहूंगा कि दिखाइए आप थोड़ा जूम करके, डॉक्टर एस एस माहिमकर का बोर्ड लगा हुआ है। ये पूरी गंदगी यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये यहाँ से, और देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये जो पानी के पाइप यहाँ से जा रहे हैं, ये पानी के पाइप जो यहाँ से गुजर रहे हैं, ये इसी में से लोगों के घर पीने का पानी जाता है, उन लोहे के पाइप है कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि इस गंदगी से, और ये चोकअप है यहाँ से लाइन, तो कोई तसव्वुर कर सकता है कि हमारे घर में जो पीने का पानी जो पहुंच रहा है वो ऐसी जगहों से होके पहुंच रहा है, और ये जो सप्लाई लाइन गई है एक नहीं कई बिल्डिंगों की, कई चॉल्स की, कई गलियों की यहाँ से पानी की लाइन गई है, तो ये सवाल है कि ये गंदगी जो यहाँ पर इतनी जमी हुई, लोग गुजर रहे हैं आराम से, कोई लोगों को इसका एहसास नहीं है, जिस तरह से घूम घूम के शानू पठान जितेंद्र हेवाड़ और एनसीपी के लोग, और जिस तरह से एनजीओज मुंबरा में घूम घूम कर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, सैनिटाइज करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा, ऐसा काम किसी ने नहीं किया जिस तरह से नगर सेवक शानू पठान रास्तों में उतर कर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम किसी नगर सेवक ने पूरे मुंबरा में नहीं किया, उनकी कोशिशों को सैल्यूट है, उनकी मेहनत को सैल्यूट है, लेकिन बस आपसे इतना ही कहना है कि आपके बंगले से चंद कदम की दूरी पर इस तरह की गंदगी है, तो ये जो आपका मुअद्दिबाना गुजारिश है आपसे, मुअद्दिबाना गुजारिश है, इसको आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका एक कॉल इस इलाके को और खूबसूरत बना सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।